गुजरात के वडोदरा में इंडियन ओवरसीज बैंक का 88वां फाउंडेशन डे विभिन्न आयोजनों के जरिए मनाया गया। वडोदरा में इंडियन ओवरसीज बैंक कार्यरत है, जिसका 88वां फाउंडेशन डे उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर वॉकथोन का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन ओवरसीज बैंक के कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। बैंक की अलकापुरी ब्रांच से सयाजी बाग तक ये वॉकथोन आयोजित की गई। हम लोग जो है आज इंडियन ओवरसीज बैंक 88वां फाउंडेशन डे मना रहा है। ये कार्यक्रम जो है पूरा भारतवर्ष में चल रहा है। हमारे 3203 ब्रांचेज हैं और सारे जगह 87 साल से हम देश की सेवा कर रहे हैं और हमारे ग्राहकगण इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आज जो हम लोग का जो कार्यक्रम है, हम लोग जो कर रहे हैं कि वाकाथन कर रहे हैं, जिसमें लोगों को अपने 88 फाउंडेशन डे के बारे में बताना है। दूसरा कार्यक्रम हम लोगों ने हेल्थ चेकअप का किया है, और सारे हेल्थ चेकअप में जो भी चीज़ प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए जो भी उपाय होगा बताया जाएगा। और तीसरा कार्यक्रम हम लोग शेल्टर होम में राशंस एंड एक टीवी जो है, शेल्टर होम की डिमांड थी कि टीवी प्रदान किया जाए, तो टीवी हम लोग शेल्टर होम को इंडियन ओवरसीज बैंक के तरफ से डोनेट कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, और एक समय का खाना भी हम लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। साथ ही इस मौके पर मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप समेत के विभिन्न आयोजन किए गए। इस मौके पर IOB की रीजनल ऑफिस के चीफ रीजनल मैनेजर भूपेंद्र नारायण सिंह, AIOBEU के वाइस प्रेसिडेंट हार्दिक खरा, AIOBEU के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी विशाल शाह, IOBOA के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी अनुराग पाठक, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी OBC एसोसिएशन प्रतीक परमार समेत के अन्य उपस्थित रहे। Today our Indian Overseas Bank's 88th Foundation Day. Our bank was founded by MCT Chidambaram Chettiar, who is from Karnataka Than Karaikudi. Now more than 3,200 branches are there in our bank. Out of 12 public sector bank, IOB is in the second rank. And recently in December quarter, our profit also is very high. And net NPA, our bank is third in the rank out of all public sector bank. And total advances growth may number one among all 12 public sector bank, even SBI and other banks is behind IOB. Today in Baroda regional office, and we have organized the Founders Day campaign today in the Wakathon, and also we have organized a health camp today here in Alkapuri branch, and we are going to donate a television to the old age home, which is handled by our municipal Baroda municipality, and we are going to give dresses also to them, and one time food also arranged by us. हम लोगों का पूरा देश में 3,220 branches है, उसमें बड़ौदा region में 46 branches है, और बड़ौदा में सिटी में 13 ब्रांचेस है। हम लोगों का बैंक जाना जाता है कस्टमर सेंट्री, कस्टमर सर्विस के लिए जाना जाता है। हम लोग हमारा एडवर्टाइज ज़्यादा नहीं देखे होंगे मुझे लग रहा है मीडिया में, बट हमारे कस्टमर जो है हमारे एडवर्टाइजर है। तो हम ये फाउंडेशन डे में जो 88 फाउंडेशन डे है, ये जो टॉप परफॉर्मिंग बैंक में हम लोग वन है, ये बिकॉज ऑफ आवर कस्टमर्स शेयर होल्डर्स हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। मैं पूरा गुजरात वासियों को और बड़ौदा वासियों को स्पेशली ये आमंत्रित करता हूँ हमारे शाखा में आए, और हमारा जो प्रोडक्ट है लोन्स का, डिपॉजिट्स का, और बाकी सारा सेवाएं जो है उसका लाभ प्रदान ये लीजिए। और हम लोग भी लोन भी बहुत कम इंटरेस्ट में देते हैं, कॉम्पिटिटिव रेट टू द इंडस्ट्री। सो मैं ये फाउंडेशन डे में आप लोगों को सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप IOB के साथ जुड़िए। जो हमारा टैगलाइन है, गुड पीपल टू ग्रो विथ, आप भी ग्रो कीजिए और हम भी ग्रो करें साथ में। ये फाउंडेशन डे में मैं एक बार सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप नज़दीक IOB बैंक में जाइए,
और अपना खाता खुलाए और जो भी लोन का जो भी जरूरत है उसका लाभ उपलब्ध कराए।